नमस्कार, झारखंड समेत पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। खबर है देश से, सरकार और किसानों में नहीं बनी बात। किसान बोले, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। कृषि मंत्री बोले, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। इधर लगातार मीटिंगों में नतीजा न निकलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सोमवार की मीटिंग में MSP की कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए। मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने कहा, अगली बैठक में हमारा मुद्दा MSP और कानूनों की वापसी ही रहेगा। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और उन्हें आंदोलन खत्म करने का रास्ता मिले। सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। झारखंड में मार्च में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। 9 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक होंगे एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार 18 दिनों तक यह परीक्षा चलेगी। 9 मार्च से परीक्षा शुरू होगी और 26 मार्च को समाप्त हो जाएगी। जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि कोविड के कारण इस बार 1 महीने की देरी से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। इस बार दोनों सीटिंग में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैट्रिक और इंटर में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड की परीक्षा समाप्त होते ही अप्रैल में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संभवतः मई में रिजल्ट की भी घोषणा की जा सकती है। झारखंड ने जारी किया 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र, वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सोमवार को 10वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया। छात्र इसे जैक की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in/jack/ से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों के पास अब परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 2 महीने का समय है। संशोधित 60% सिलेबस के आधार पर ही जैक की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। जैक का यह मॉडल प्रश्न पत्र सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार सिलेबस और सवाल को भी बनाया गया है आसान। कोविड के कारण इस सत्र में पढ़ाई पूरी तरह बाधित रही। इसके कारण शिक्षा विभाग की तरफ से सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इसके साथ ही जैक ने सवाल के पैटर्न में बदलाव किया है। इस बार 40% ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या को भी कम कर दिया गया है। छात्रों के लिए 3 जरूरी बातें हैं, मॉडल प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका शीघ्र ही स्कूलों में भेज दिए जाएंगे। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संशोधित सिलेबस के आधार पर होंगी। ऑब्जेक्टिव सवालों की अधिकता रहेगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आदिवासी विद्यार्थियों को नए साल का तोहफा दिया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से मिलेगा। ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का कप्तान रहते हुए भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और झारखंड आंदोलन की नींव रखी थी। अब फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। नई पीढ़ी के आदिवासी युवाओं को संभावनाओं को अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का मानना है कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भी झारखंड वासियों को अपनी प्रतिभा निखारने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सीमित अवसर होना है। ऐसे में झारखंड के युवाओं को राज्य एवं देश के निर्माण में महती भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। झारखंड में निजी वाहनों पर सिर्फ नंबर प्लेट लगाने की होगी इजाजत, नहीं मानने वाले को होगी सजा। निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा नेम प्लेट या दूसरा कोई अन्य बोर्ड लगाने पर पाबंदी होगी। हालांकि सरकारी व न्यायिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट लगाने की छूट होगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के पास भेज दिया है। मंत्री के अनुमोदन के बाद इस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। अंत में विभाग के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद नियम प्रभावी हो जाएगा। तय प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी व न्यायिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट लगाने की छूट
एप्टीट्यूड श्रेणी के आधार पर तय होगी। सीनियर लेवल पद पर नाम, सरकार का प्रतीक चिन्ह और विभाग का नाम लिखने की अनुमति होगी। वहीं जूनियर लेवल पर केवल सरकार का प्रतीक चिन्ह और विभाग का नाम लिखा जा सकेगा। प्रस्ताव में उक्त नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। खबर है झारखंड के गुमला से, उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी, 1 लाख का इनामी PLFI उग्रवादी गिरफ्तार, खदेड़कर पुलिस ने पकड़ा। कामडारा के रामतोलिया से 1 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर ओझा पाहन को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो पुलिस को देखकर जंगल में भाग रहा था, पर जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। SP हरदीप पी जनार्दन ने गिरफ्तार ओझा पाहन के बारे में बताया कि इसका प्रभाव कामडारा व बसिया इलाके में ज्यादा रहा है। कामडारा में उस पर 3 और बसिया में 1 मामला दर्ज है, जो आर्म्स एक्ट 17 CL एक्ट से संबंधित है। SP ने बताया कि सोमवार की अहले सुबह उन्हें सूचना मिली कि कामडारा अंतर्गत रामतोलिया गांव के पीछे नदी किनारे स्थित जंगल में कुछ PLFI उग्रवादी घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन व कार्रवाई के लिए बसिया SDPO के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें थाना प्रभारी व सेठ के जवान भी थे। खबर है झारखंड के रांची से, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को जबरन रोका, जबरदस्त हंगामा हुई, रांची में माहौल गर्म हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को राजधानी रांची में जबरन रोका गया है। मौके पर जबरदस्त हंगामा और इलाके में तनाव की खबर आ रही है। ताजा हालात में रांची में सियासी माहौल गर्म हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। भारी संख्या में जवान सड़कों पर उतर आए हैं। रांची के किशोरगंज चौक पर 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, कई वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। बताया गया कि ओर मांझी में रविवार को मिली युवती के शव के विरोध में लोगों ने किशोरगंज चौक पर आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां से गुजर रहे CM के कारकेड को रोकने का भी प्रयास किया। सुरक्षा के मद्देनजर CM का काफिला रास्ता बदलकर रवाना हुआ। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। रांची के SSP, रांची के DC व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। गोंदा ट्रैफिक थानेदार रास्ता क्लियर कराने आगे आए थे, इस दौरान उन पर हमला हुआ। CM का काफिला हरमू रोड में किशोरगंज चौक के पहले ही भारत माता चौक के पास डाइवर्ट कर बड़ा तालाब होते हुए मेन रोड कचहरी रोड चौक के रास्ते चला गया। आम जनता व पुलिस के वाहन को भी भीड़ ने निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। गोंदा ट्रैफिक थानेदार नवल किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उन्हें मेडिका अस्पताल ले जाया गया। खबर है झारखंड के दुमका से, दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी के पुराने कार्यालय सह कोर्ट भवन में रविवार की शाम शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आग जब फैल गई और उसका धुआं वीर कुंवासी चौक तक पहुंच गया, तब आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मी दमकल के साथ मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कोर्ट रूम के दरवाजे के बंद होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई आ रही थी। इसके बाद दरवाजे के तालों को और आधे जले गए दरवाजों को तोड़ा और दमकल से अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास तेज कर दिया। खबर है झारखंड के देवघर से, देवघर में 4 जनवरी को देवघर जिला पुलिस ने विशेष अभियान में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर मोबाइल समेत बड़ी संख्या में अन्य सामान बरामद किए। पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर जिले के मगरा मुंडा कोरा सोनारेठारी एवं मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है झारखंड के जमतारा से, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में वृद्धि सराहनीय कदम। जमतारा में सोमवार को स्थानीय सर्कल डी स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार की उपस्थिति में अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कमेटी के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर की गई अभूतपूर्व वृद्धि सराहनीय है। बताया कि वर्तमान मोदी सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, उसके अनुरूप छात्रवृत्ति राशि के रूप में 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल बजट में 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार के नए प्रावधान में छात्रवृत्ति राशि की रकम को लगभग 6 गुना वृद्धि कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का मुख्य भावना समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना एवं ऐसी विद्यार्थी जो 10वीं पास करने के बाद अपना विद्यालय छोड़ देते थे, ऐसे परिवार के बच्चों को इस नियम नियमावली के छात्रवृत्ति राशि से बीच में शिक्षा छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की रुचि में बीच में विराम नहीं लगेगा। छात्रवृत्ति का योजना गरीब वर्गों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी।
मौके पर पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास के नीति पर चल रही है। देश के सभी वर्गों के बच्चे पढ़ लिख कर इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटाएं, इसी मंशा को लेकर जमीनी स्तर पर प्रभाव बनाने के लिए सरकार नीतियां बना रही है और उसको धरातल पर उतारने का भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।